on microphone. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sonu Bangar. कपाली केशरी गंध आम्हा शिवरायांचा छंद एकच नाम घोष करतो जगदंब जगदंब. पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांना तिवार मानाचा मुजरार्पण करतो आणि मी माझी सुरुवात करतो. आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना अंतिम सामना तुमच्या समोर येतो आहे. जो संघ जिंकेल तो संघ टॉप 5 मध्ये प्रवेश करेल. जय हनुमान नालिंबी बनाम संतेपाडा या दोन टीम मध्ये आजच्या दिवसातील शेवटचा अंतिम सामना. टॉस जिंकलेला आहे संतेपाडा या टीम ने. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे, इन्व्हाइट केलंय फलंदाजीसाठी जय हनुमान नालिंबी या टीमला. सचिन आणि सागर ही जोडी सज्ज होती आहे नालिंबी या टीमची. गोलंदाज सज्ज होतोय. यस, चेंडू घ्यायचा आहे. तर दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा या सामन्यासाठी. जय हनुमान नालिंबी विपक्ष संतेपाडा या दोन संघांमध्ये हा सामना सुरू होतोय. नक्कीच यापुढील सामना असेल सोनू बांगर यांचा संघ असेल, दुसऱ्या बाजूला रोशन संत यांचा संघ असेल. प्रेक्षणीय मॅच, शो मॅच आणि सामना सुरू होतोय. आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना आहे जय हनुमान नालिंबी बनाम संतेपाडा या दोन संघांमध्ये. दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा या सामन्यासाठी. गेम ऑन, लेट्स प्ले. यावीस पहिला चेंडू बॅटची बाहेरची कडा लागते. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय गली क्षेत्रामध्ये. एकच धाव मिळते आणि एका धावेने श्रीगणेश होतोय. एका धावेने संघाचं आणि स्वतःचं अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज सचिन. गोलंदाज मनोज आहेत. राईट अप फॉर द विकेट. यावी सुरेख टायमिंग, फटका फसलाय, जेलची शक्यता असेल आणि सुरेख जेल टिपलाय. क्षेत्ररक्षक होते दिनेश संते आणि अप्रतिम जेल टिपलाय दिनेश संतेने आणि पहिला मोठा धक्का बसतोय जय हनुमान नालिंबी या टीमला. सागर गोल्डन डकच्या स्वरूपात पाद. एक या धाव संख्येवरती स्ट्राइक केलं फलंदाज सचिन बांधणे आहेत. नवीन फलंदाज आतिश येतोय. गोलंदाज मनोज राईट अप फॉर द विकेट. अजून एक चांगला टायमिंग आपण पाहतोय लॉफ्टेड आणि चेंडू जातोय वाईड इश लॉन्ग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर षटकार. सर केलेल्या सात धावा धावफलकावरती आहेत आमचे समालोचक मित्र आणि या स्पर्धेचे नियोजक सचिन देसले. देखील सामना एन्जॉय करतोय. खूप मेहनत घेतली आहे. नरेश चौधरी असतील, सचिन देसले असतील, विशाल भोईर, बंटी भोईर, कल्पेश कोर, मनोज भोईर, पूर्ण गावदेवी क्रिकेट संघ मस्कळ
अजून एक चांगला टाइमिंग आपण पाहतो, स्किलिंग शॉट टेकिंग गॅप, चेंडू जातोय वाइड इश लॉन्ग अप सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार, गुड शॉट। फॉर द विकेट, स्विच इट करतोय, गॅप मधून चेंडू फार वेगाने ट्रॅव्हल होतोय, एकदम तर कंप्लीट केली आहे आणि चेंडू जाईल सीमा रेषेच्या बाहेर, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येतोय फलंदाज सचिनच्या बॅट मधून, सचिन बांधणे ऑन फायर। धाव संख्या 15, धावधाव फलकावरती अप्रतिम सुरुवात केली आहे, कारण की पहिला धक्का सागरच्या स्वरूपात खूप लवकर बसलाय जय हनुमान नालिंबिया टीमला, आणि त्यानंतर आपण पाहतोय सचिननं बांधणीच्या बॅटमधून एक षटकार दोन चौकार आलेत, एक चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील, 1-15 अशी धावसंख्या आहे जय हनुमान नालिंबिया टीमची। राईट अम ओर द विकेट, अजून एक चांगला टायमिंग आपण पाहतोय, हुक करतोय आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉंग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर, वन बाउन्स ओवर द लाईन, चौकार। धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहू शकाल, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 19 धावा धावफलकावरती 1-19 अशी अप्रतिम सुरुवात केली आहे जय हनुमान नालिंबिया टीमने। आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना आहे आणि उद्या एक प्रेक्षणीय सामना देखील असेल, सोनू बांगर 11 आणि रोशन संधी 11, कारण की वाढदिवस आहे आमचे आयोजक निकेश भोईर यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने प्रेक्षणीय सामना देखील असेल। धावसंख्या धावफलकावरती 19 धावा, आकाश पहिला चेंडू स्विंग अनामिस, डॉट बॉलची समाप्ती होते, निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय, धावसंख्या 19 धावा धावफलकावरती। आकाश पुन्हा एकदा सज्जू होतोय, स्ट्राइक इन फलंदाज आतिश आहे, 19 धाव बनवल्यात पहिल्या षटकामध्ये जय हनुमान नालिंबिया टीमने। राईट अप ओर द विकेट, आकाश या वीज सुरेख टायमिंग आणि चेंडू जातोय फाईन लेग सीमा रेषेच्या बाहेर, लेग बायच्या स्वरूपात, येस बॅट कट आहे आणि दिलगिरी व्यक्त करतोय पंच, बॅट कटच्या स्वरूपात हा चौकार येतोय। तेवीस धावा, स्ट्राइक इन फलंदाज आतिश आहे, अप्रतिम सुरुवात केली, पहिला धक्का खूप लवकर बसला होता, त्यानंतर खूप चांगली पार्टनरशिप, फुल टॉस चेंडू आहे मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकला नाहीये, एक धाव तर पूर्ण केली आहे, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल, 25 धावा धाव फलकावरती, 4 षटकांचा सामना आपण पाहतोय, आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना, तो संघ जिंकेल तो संघ टॉप 5 मध्ये क्वालिफाय होईल। यावी चांगला चेंडू आहे, डॉट बॉलची समाप्ती, निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय, अप्रतिम
गोलंदाजी होती या षटकामध्ये, कारण की पहिल्या षटकामध्ये 19 धाव बनवल्या होत्या, त्यानंतर या षटकामध्ये आतापर्यंत 6 धावा खर्च करतोय 4 चेंडूंमध्ये 6 धावा खर्च करतोय. 25 धावा धावफलकावरती आहेत. आकाश पुणे सज्ज होतोय. स्ट्रायकिंग फलंदाज आतिश डान्सिंग डाउन द विकेट. टॉप एज लागतोय. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय डीप थर्डमॅनच्या दिशेने. एक धाव तर पूर्ण केली, दुसरी धाव देखील पूर्ण होतीये. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे, परंतु दोनच धावांवरती समाधान मानावं लागतंय. आणि धावसंख्या 2 पुढे सरकेल 27. 27 धावा धावफलकावरती. डेट चिन्ह घोषित करतायत पंच रमेश म्हात्रे सर. धावसंख्या 27 आहे. उद्या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आहे आणि दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना आहे आपटी बी विपक्ष बापसई. ठीक 9 सामना सुरू होईल. हाफ ट्रॅकर आपण पाहतोय, हाफ पंप पुल करतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने. एक धाव तर पूर्ण केली आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. आणि पहिल्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावा धावफलकावरती जय हनुमान नालिंबी या टीमची. तर उद्या पहिला सामना असेल आपटी बी विपक्ष बापसई, दुसरा सामना असेल आंबिवली विपक्ष मांजरली, तिसरा सामना असेल नवतरुण कांबा विपक्ष रोहन, आणि चौथा सामना असेल संतोष सुरोशी यांचा दीपक 11 कांबा विपक्ष रवींद्र धुमाळ साहेबांचा जय हनुमान अनकरपाडा. हे 8 संघ आहेत. उद्या जी वेळ दिलेली आहे त्या वेळेवरती आपण उपस्थित राहायचं आहे आणि आयोजकांना आपण सहकार्य करायचं आहे. अक्षय सज्ज होतोय. स्ट्रायकिंगला फलंदाज सचिन. यावीस पहिल्या चेंडूवरती क्लीन बोल्ड. यस उद्ध्वस्त दांडी गोल. यू मिस आय डेफिनेटली फलंदाज बाद बिग विकेट डाऊन. सचिन बांधणे बॅक टू द पवेलियन. नालिंबी टीमला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. जे नालिंबी टीमचे बिग सपोर्टर आहेत प्रदीप सपाटे यांच्याकडून जयनुमान नालिंबी. 29 धावा धावफलकावरती फलंदाज बाद झालाय सचिन बांधणे. ज्या सचिन बांधणे 19 धावांची खेळी केली. नंदकिशोर येतोय. एक विस्फोटक फलंदाज स्ट्रायकिंगला आहे. पहिल्या चेंडूवरती गोल्डन विकेट कॅरी करतोय. या आधीच्या सामन्यामध्ये देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली होती अक्षयने. तोच अक्षय पहिल्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त करतोय. यावी चांगला चेंडू आहे. शरदचा वेद घेतला जातोय. धावाची संधी आणि फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का बसतोय. नंदकिशोर बॅक टू द पवेलियन. सांघिक यश मिळतंय संतेपाडा या टीमला. डीजे मास्टर नवीन फलंदाज राकेश. आतिश आणि राकेश ही जोडी आपण पाहतोय. गोलंदाज अक्षय. यावी सुर एक टायमिंग आणि चेंडू जातोय आर पार सीमा पार. बाबा रामदेव पतंजली षटकार.
पुढील चेंडू पुन्हा एकदा यावीस मिस टायमिंग आहे चेंडू पट नोमेन्सलँड झोन मध्ये एक धाव तर पूर्ण केली दुसऱ्या धावचा प्रयत्न आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते धावसंख्या दोन ने पुढे सरकेल 37 37 धावा धाव फलकावरती आहेत दोन चेंडू शिल्लक या षटकातील 37 धावा धाव फलकावरती फुल टॉस चेंडू आहे वाईड यॉर्करचा वापर केला होता डॉट बॉलची समाप्ती आपण पाहतोय खूप चांगली गोलंदाजी अक्षय करतोय धावसंख्या धाव फलकावरती 37 यावीस मिस टायमिंग आहे जेलची शक्यता असेल परंतु अक्षयच्या आवाक्याच्या बाहेर आणि दोन धाव मिळतात या चेंडूवरती आणि पहिल्या तीन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धावा धाव फलकावरती जय हनुमान नालिंबी या टीमची फलकावरती आपण बघू शकाल 39 धावा आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आहे पहिल्या दिवसातील हा शेवटचा सामना आपण पाहतोय गावदेवी क्रिकेट संघ मस्कळ आयोजित धर्मा भोईर स्मृती चषकाचं हे आयोजन आपण पाहतोय सुरेख गोलंदाजी धावबाजची संधी आहे आणि फलंदाज देखील बाद होतोय अजून एक धक्का बसतोय जय हनुमान नालिंबी या टीमला गोलंदाज संतोष पुन्हा एकदा सज्ज होतोय स्ट्राइकिंगला फलंदाज आतिश आहे खूप चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये एक धाव तर पूर्ण होते आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते गुड रनिंग बिटवीन द विकेट धावसंख्या दोन ने पुढे सरकेल 41 धावा धाव फलकावरती आहेत क्रिकेटचा दैदीप्यमान सोहळा आपण अनुभवतोय या मैदानावरती मानाची सन्मानाची आणि लोकप्रिय क्रिकेट स्पर्धा स्वर्गीय धर्मा भोईर स्मृती चषक वर्ष तिसरा आहे यावीस क्लीन बोल्ट फलंदाज बाद अजून एक धक्का बसतोय जय हनुमान नालिंबी या टीमला डीजे मास्टर आणि दुसरं म्हणजे ओमसाई MTC लाईव्ह खूप चांगली क्वालिटी तेवढीच चांगली क्लॅरिटी आहे यावी चांगला चेंडू आपण पाहतोय आणि फलंदाज होतोय बाद अजून एक धक्का बसेल पियुष बॅक टू द पवेलियन
असावे तर असे असावे। पाच दिवसांसाठी फार्म हाऊस त्यांनी बुकिंग केलेला आहे। सर्व ऑफिशियल्स म्हणजेच कॅमेरामन असेल, त्यानंतर डीजे मास्टर असतील आणि आमचे समालोचक मित्र सोनू बांगर देखील पाच दिवस इथेच राहणार आहेत। यावेळी चांगलं टायमिंग आपण पाहतोय आणि चेंडू जातो आहे सीमारेषेच्या बाहेर, लॉंग लॉंग बिग वे, माइटी ह्यूज मॅक्सिमम आउट ऑफ द पार्क, बिग 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 षटकार। जोशी फार्म हाऊसचे सर्वे सर्वा मंगेश जोशी साहेबांचं देखील मी विशेष आभार व्यक्त करतोय। पाच दिवस नक्कीच आमचे जे सर्व ऑफिशियल्स आहेत ते राहणार आहेत आणि त्या राहण्याची सोय जोशी फार्म हाऊसवरती केलेली आहे आणि मंगेशजी जोशी साहेबांचं देखील मी विशेष आभार व्यक्त करतोय। सचिन देसले यांचं देखील आभार व्यक्त करतोय। यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय, एकच धाव मिळते या चेंडूवरती, दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न आहे आणि धावबाची संधी बघूया। फलंदाज बाद होतोय का आणि फलंदाज देखील बाद आहे, अजून एक धक्का बसतोय नालिंबिया टीमला। चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 48 धावा आणि 49 धावांचं या सर्व्ह्यू घेतलेला आहे रनआउटसाठी। यस, अप्रतिम क्वालिटी आणि फलंदाज देखील बाद आहे। यस, फलंदाज रिव्ह्यू होता, प्रत्येक इनिंगसाठी एक एक रिव्ह्यू आहे। यस, प्रत्येक इनिंगसाठी एक एक रिव्ह्यू आहे, त्यामुळे हा रिव्ह्यू घेतला होता तो म्हणजेच नालिंबिया टीमने, कारण की शेवटचा चेंडू होता त्यांना देखील माहिती होतं, त्यामुळे हा रिव्ह्यू घेतलेला आहे। तर चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 48 धावा धावफलकावरती आहेत आणि 49 धावांचं लक्ष ठेवलं आहे। आजच्या दिवसातील हा आमचा शेवटचा टर्न होता, नक्कीच उद्या पुन्हा एकदा सकाळी आपली भेट होईल, परंतु मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतोय, आयोजकांचं, तर सन्माननीय रवी मामा आहेत रुंदेचे, त्यांना विनंती असेल आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। तर विशेष आभार व्यक्त करतोय निकेश भोईर, नरेश चौधरी, त्यानंतर सचिन देसले, त्यानंतर कल्पेश कोर, विशाल भोईर, दिगंबर भोईर, बंटी भोईर आणि सर्वच गावदेवी क्रिकेट संघ मस्कल या टीमचं, त्यानंतर आमचे तीन ऑफिशियल पंच आहेत रमेश म्हात्रे सर, ऋषी देसाई सर, प्रसादजी सहस्रबुद्धे सर यांचं देखील मी आभार व्यक्त करतोय। आमचे साथी समालोचक सोनू बांगर आणि सचिन देसले यांचं देखील मी आभार व्यक्त करतोय। डीजे मास्टर सुजित म्हात्रे यांचं देखील आभार व्यक्त करतोय। सागर फराड असतील, रोशन फराड, अक्षय म्हात्रे आणि कुणाल म्हात्रे, ओमसाई MTC लाईव्ह यांचं देखील मी आभार व्यक्त करतोय। सुखदेव भोईर साहेबांना विनंती असेल आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। या स्पर्धेमध्ये सुखदेवजी भोईर साहेबांना विनंती असेल आपण देखील या व्यासपीठावरती। तुर्तास मी ते थांबतो, आपण कुठेच जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा आणि या स्पर्धेचा आनंद घेत राहा। धन्यवाद। तर या दरम्यान रुंद्याचे आमचे रवींद्र मामा देखील उपस्थित झाले, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत असेल। तर
तो बहुत बहुत शुक्रिया रोशन चंद, चलते मैदान के ऊपर सभी दर्शकों का फिर से एक बार इस प्रतियोगिता में हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। आखिरी मुकाबला मैदान के ऊपर चल रहा है, दो ताकतवर टीम के बीच में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। एक तरफ यहाँ पर संतेपाड़ा टीम तो दूसरी तरफ जय हनुमान नालिम्बी टीम। बल्लेबाज की चार ओवर का मुकाबला नालिम्बी टीम ने बनाया, बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए और 49 रन का टारगेट यहाँ पर रखा गया है संतेपाड़ा टीम के सामने। सलामी जुड़ जाते भी 39 रन का 49 रन का टारगेट लेके मैदान के ऊपर नीलेश और दिनेश यहाँ पर आते हुए ग्रीन सिग्नल आता हुआ अंपायर द्वारा। बिल्कुल पहला ओवर का खेल मैदान के ऊपर शुरू होने जा रहा है। पीयूष आते हुए पहली गेंद फेंकने के लिए पहली ओवर लेकर तैयार। दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देंगे हमारे आयोजनकर्ताओं की ओर से, हमारे कॉमेंट्री बॉक्स की ओर से। विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम, शो द गुड गेंद। पहली गेंद पटकी भी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती भी गेंद, रन आउट का चांस बनेगा लेकिन विकेटों के बीच अच्छी दौड़ देखने के लिए मिली। बल्लेबाज वहां पर थे बिल्कुल नीलेश और दिनेश। नीलेश के बल्ले से निकलता है पहला एक रन, टीम का निजी खाता ओपन होता था एक रन की मदद से। जीतने वाली टीम सीधा जाएगी सेमीफाइनल में। बिल्कुल आज का दिन किसके नाम के ऊपर होगा, क्या यहाँ पर जीत दिला पाएगी अपनी टीम यहाँ पर नालिम्बी टीम, क्या जीत पाएगी मुकाबले को संतेपाड़ा टीम। आखिरी मुकाबला मैदान के ऊपर चल रहा है दोस्तों। साइक रोटेटिव साइकिल होते सेकंड के ऊपर बल्लेबाज आते हुए बिल्कुल सलामी बल्लेबाज दिनेश ऑन स्ट्राइक। ओवर द विकेट से तैयार पीयूष, अब की बार ऑन साइड पे गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद आतिश होंगे, बिल्कुल गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे। तब तक दो रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज दिनेश और नीलेश। दिनेश का खाता ओपन होता हुआ दो रन से टीम का स्कोर बनता हुआ 3 रन बन चुके। बिल्कुल एमटीसी के माध्यम से प्रतियोगिता को कवर किया जा रहा है, हमारे अक्षय मात्रे होंगे अपडेटर और दूसरी तरफ हमारे रोशन फराड होंगे और हमारे सागर फराड जो कि फाउंडर इस एमटीसी के अच्छी यहां पर कैमरामैन की भूमिका निभा रहे और कुणाल मात्रे भी हमारे बिल्कुल एमटीसी के यहां पर सदस्य होंगे। बिल्कुल टीम यहां पर अच्छे यहां पर टीम वर्क कर रही है। चलते मैदान के ऊपर पिछले एक बार दो रन बढ़ रहे बल्लेबाज दिनेश ने, पिछले एक बार पीयूष तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट से। अब की बार फुलर लेंथ की गेंद थी लेकिन ऑन साइड में ड्राइव किया गेंद को, शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी वहां पर गेंद को उठाएंगे। तब तक एक रन मुकम्मल किया बल्लेबाज दिनेश और नीलेश ने, टीम का स्कोर बनता हुआ 4 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर बल्लेबाज करते हुए संतेपाड़ा टीम के। आयोजनकर्ता की मैं सराहना करना चाहूंगा हमारे खासकर यहाँ पर मैनेजर की भूमिका निभा रहे हमारे निकेश भोईर, उसके बाद में हमारे नरेश चौधरी होंगे, सचिन देसले, कल्पेश शिकोर और बंटी भोईर, मनोज भोईर, नाजिम शेख, विशाल भोईर, नहीम शेख, कुणाल भोईर और दिगंबर भोईर, इनके माध्यम से गांव देवी क्रिकेट कप मस्काल टीम के माध्यम से आप इस प्रतियोगिता को मैदान के ऊपर देख रहे। चलते मैदान के ऊपर पिछले एक बार गेंद तैयार पीयूष राइट आर्म ओवर द विकेट से। अब की बार ऑन साइड में खेला, शॉर्ट मिड ऑन में खिलाड़ी थे गलती कर बैठे लेकिन बैकअप के लिए आते हुए और गलती की बैकअप के खिलाड़ी आतिश ने भी और गेंद सीधा जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। खराब फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए नालिम्बी टीम के खिलाड़ी उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाजी करते हुए संतेपाड़ा टीम चौका। चार रन निकले टीम का स्कोर बनता हुआ बिल्कुल 8 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब की बार पीछे एक बार बैकफुट के ऊपर गए और चपंच किया गेंद को सीधा भेजा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया बल्लेबाजी नीलेश के बल्ले से निकाल दबा यहां पर अपनी टीम के लिए दूसरा शानदार चौका, बढ़िया बल्लेबाजी। इसके बल्ले से शानदार बल्लेबाजी, जानते हैं पावर प्ले का एक ही ओवर है और इस ओवर में यहां पर टीम के लिए रन बटोरने पड़ेंगे और दूसरा चौका आया, टीम का स्कोर बनता हुआ 12 रन। फिर से एक बात तैयार पीयूष ओवर द विकेट, सामने की तरफ खेलना चाहते थे ऑन साइड में गेंद को खेला, शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे उठाएंगे। तब तक एक रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज नीलेश मैदान के ऊपर, टीम का स्कोर पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता है और पहले ओवर में पावर प्ले के ओवर में रन बटोरते हुए बल्लेबाज करते हुए संतेपाड़ा टीम ने बनाए यहां पर बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके संतेपाड़ा टीम के डीज है।
के समाप्त होता बाद टीम का स्कोर बनता हुआ बिल्कुल 13 रन बन चुके स्कोर काट के पर बनते पड़ा टीम के बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार बढ़िया बल्लेबाजी की खास करके नीलेश ने दो चौके लगाए अपने टीम के लिए, 10 रन के ऊपर खेल रहे और बिल्कुल उनके साथ दे रहे दिनेश मैदान के ऊपर 3 रन के ऊपर खेल रहे अपने टीम के लिए। नए गेंदबाज आएंगे, पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर आपको दिखाई देंगे स्कोर लीग की दिशा में खिलाड़ी, उसके बाद में मिड विकेट में खिलाड़ी होगा, दूसरी तरफ ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑफ में और एक्स्ट्रा कवर के बीच एक खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी बाहर के बाहर, बढ़िया स्ट्रोक कदम का इस्तेमाल किया और गेंद को भेजा सीधा तारा मंडल में, गेंद जाते भी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, अंपायर रमेश मात्रे का इशारा 6 रन। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता है, 19 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, पहले गेंद के ऊपर स्वागत किया गेंदबाज का, वेलकम टू द ग्राउंड। अब की बार आड़े बल्ले से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जाते भी सीधा ऑप्शन से निकलते भी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति होती भी, अच्छी वहां पर वापसी करते हुए गेंदबाज नीलेश मुकाबला मैदान के ऊपर देख रहे, दो खिलाड़ी एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी नीलेश होंगे और दूसरी तरफ अपकमिंग यंगस्टार वहां पर गेंदबाजी कर रहे नीलेश, जबरदस्त मुकाबला दो ताकतवर टीम के बीच में, ओवर द विकेट जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में आप मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। शाम के वक्त में आज कौन सी टीम जाएगी सेमीफाइनल में, कौन सी टीम यहां पर एक ट्रॉफी का बिल्कुल ट्रॉफी के हकदार बनेगी, या जय हनुमान नाली भी टीम हकदार बनेगी या फिर संतेपाड़ा टीम बनेगी ओवर द विकेट। अब की बार यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया, सॉन्ग अपील की थी लेकिन गेंद यहां पर शरीर से दूर होगी यानी कि ऑप्शन के बाहर थी, अंपायर का इशारा था वाइट बॉल का, टीम का स्कोर बनेगा अतिरिक्त रन के माध्यम से 20 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लिए अभी भी जरूरत होगी यहां पर हमारे रोशन फराट बताएंगे, बिल्कुल आने वाली 16 गेंदे और 29 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर, गेंदबाज तैयार फिर से एक बार नीलेश, अब की बार फिर से एक बार शरीर से बाहर रखा गेंद को, वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, रमेश मात्रे सर वहां पर होंगे, गेंद बाहर जा रही थी बिल्कुल बता रहे गेंदबाज को, अतिरिक्त रन मिलता 21 यानी कि 21 रन बन चुके अब 16 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर, संघर्ष आपको करना पड़ेगा और आपको संघर्ष देखने को भी मिलेगा ये दो टीम के ओर से मैदान के ऊपर। फिर से एक बार सॉन्ग अपील की जा रही है, कॉट बैन की अपील की जा रही है लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल, यस कोई भी संपर्क नहीं बना था, स्ट्रॉन्ग अपील की थी यहां पर, अपील में उत्साह ज्यादा था और आत्मविश्वास कम था वही बता रहे बिल्कुल अंपायर, हमारे अंपायर रमेश मात्रे सर, कोई भी इशारा नहीं है सिर्फ वाइट का इशारा था, अतिरिक्त रन के माध्यम से टीम का स्कोर बनेगा वहां पर 22 रन बन चुके, खराब गेंदबाजी थोड़ी सी देखने को मिली, अतिरिक्त रन ज्यादा खर्च कर रहे, तीसरी दफा वाइट करा दिया अंपायर ने इस गेंद को, गेंदे फेंकी बिल्कुल दो गेंदे और 9 रन खर्च किए गेंदबाज नीलेश ने, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदे आनी बाकी है मैदान के ऊपर, तैयार नीलेश और द विकेट, पटकी भी गेंद थी इस बार, फिर से एक बार अंपायर का इशारा वाइट बॉल, वाइट का इशारा कोई भी संपर्क नहीं बना पाया, चौथी दफा यहां पर अतिरिक्त रन मिलता बाद टीम का स्कोर बनेगा 23 रन बन चुके, जीत के लिए अब यहां पर रन और गेंदों का फासला होगा 16 गेंदे और अब यहां पर जीत के लिए चाहिए बिल्कुल रन, बताएंगे हमारे अपडेटर्स हमारे रोशन फराड बिल्कुल चेक करते हुए, 16 गेंदे और 26 रन की आवश्यकता होगी अभी भी जीत के लिए संतेपाड़ा टीम को। अब की मर्तबा यहां पर उठाया गेंद को लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक और अच्छा कैच देते हुए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वहां पर दे सागर, अच्छी कैच ली और लौटना पड़ेगा सलामी बल्लेबाज नीलेश को, पहला झटका लगता था बल्लेबाज करते हुए संतेपाड़ा टीम को, डीज है
यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लंगॉक के ऊपर से, लेकिन सागर वहां पर तैनात थे अच्छी वहां पर कैच लेते हुए अपनी टीम के लिए और बल्लेबाज के पारी का अंदोता पा नीलेश ने आउट किया बिल्कुल संतेपाड़ा के नीलेश को। पहले विकेट का पतन, पहला झटका लगता बा। अब जीत के लिए 15 गेंदे और 26 रन की आवश्यकता, 26 आंकड़ा था बिल्कुल दोस्तों शुभ और अशुभ आंकड़ा माना जाता है, हम हमेशा बताते हैं आपको 26-11 यानी कि अशुभ दिन माना जाता है जब मुंबई के ऊपर दहशतवादी हमला हुआ था, उसके बाद में 26 जुलाई का आया हुआ महापौर बिल्कुल अशुभ दिन माना जाता है और 26 जनवरी यानी कि शुभ दिन प्रजासत्ता दिन। छत्र मैदान के ऊपर सेकंड के ऊपर दिनेश, अब की बार यहाँ पर टॉप एज लगती हुई विकेट कीपर, वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे सचिन बांधे अच्छी कैच लेते हुए, अब यहाँ पर सलामी जोड़ी मैदान से बाहर जाती हुई, पहले पिछले गेंद के ऊपर दिनेश आउट हुए, नीलेश आउट हो गया, अब यहाँ पर दिनेश के पारी का अंत होता बा, दूसरा झटका लगता बा संतेपाड़ा टीम को, बढ़िया वापसी गेंदबाज नीलेश के द्वारा विकेट का पतन। में दोस्तों मजा आएगा क्योंकि आप दोनों ही नए बल्लेबाज आएंगे मैदान के ऊपर, जब यहाँ पर नीलेश आउट हुए तब आकाश आए थे तीसरे नंबर के पायदान पे बल्लेबाजी करने के लिए, और आप चौथे नंबर पे आए जब दिनेश आउट हुए मनोज आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए, दोनों ही नए बल्लेबाज, बढ़िया वापसी की अपनी टीम के लिए नीलेश ने, दो विकेट भी चटकाई, अब मुकाबला दोस्तों बैलेंस हो चुका है, अब जीत के लिए 14 गेंदे और 26 रन की आवश्यकता होगी मैदान के ऊपर, कैसे बल्लेबाजी करेंगे नए बल्लेबाज मनोज और आकाश, ये सवाल मैदान के ऊपर खड़ा होता बा, क्या जीत पाएगी यहाँ पर बिल्कुल नालिंबी टीम या जीत पाएगी मुकाबले को संतेपाड़ा टीम, यदि आने वाली गेंदे अच्छी फेंकते नीलेश तो बिल्कुल मुकाबले में मजबूती पाएगी नालिंबी टीम, यदि यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक आता है एकाध दो बड़े स्ट्रोक आते तो मुकाबले में पूरी तरह से फिर से एक बार वापसी करेगी संतेपाड़ा टीम। गेंदबाज तैयार, अब की बार बिल्कुल विकेट हैट्रिक और बिल्कुल यहाँ पर इस प्रतियोगिता की पहली विकेट हैट्रिक अपने नाम के ऊपर करते हुए गेंदबाज नीलेश, क्या शानदार गेंदबाजी, और लौटना पड़ेगा जीरो के ऊपर बल्लेबाज मनोज को, बढ़िया मुकाबला 13 गेंदे और जीत के लिए आप 26 रन की आवश्यकता डीजे। हमारे डीजे मास्टर सुजीत और हमारे यहाँ पर दिगंबर उसका लुप उठाते हुए बल्लेबाज के पारी का दोताबा, बिल्कुल यहाँ पर मैंने पहले कहा था जब सलामी सेट बैट्समैन नीलेश और दिनेश आउट हुए उसके बाद में कैसे बल्लेबाजी करेंगे मनोज और आकाश, और मनोज पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर अपना विकेट दे बैठे, अब वहां पर जीत के लिए गेंदे होंगी 13 और समीकरण बनता बा 26 रन की आवश्यकता। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज भरत आते हुए पहले गेंद का सामना करेंगे, गेंदबाज तैयार नीलेश, आपकी बार सामने की तरफ खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पहले आगे आने का प्रयास किया उसके बाद में पीछे गए लेकिन गेंद उनको चीर के जाते भी सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लेके बाहर, बढ़िया चौका। खिलाड़ी ने थोड़ी सी गलती की, मैं कहना चाहूंगा कि गेंद के ऊपर आपको जाना था, आपने बिल्कुल गेंद का इंतजार किया लेकिन गेंद ने आपको धोखा दिया, सीधी गेंद जाते भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, चौका तब आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज भरत के बल्ले से, अब मुकाबला दोस्तों बैलेंस हो चुका है 12 गेंदे और अब 22 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर, अभी भी मुकाबले में जान बची है दोनों तरफ से, संतेपाड़ा टीम भी इस मुकाबले में जीवित है और दूसरी तरफ जय हनुमान नालिंबी टीम भी इस मुकाबले में जीवित है, मुकाबला कौन जीतेगा आज, इतिहास कौन दोहराएगा इस मैदान के ऊपर,
क्योंकि मंजिल उन्हीं के मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला किसका बुलंद होगा मैदान के ऊपर, बल्लेबाजी करते हुए संतेपाड़ा टीम के बल्लेबाजों का या फिर गेंदबाजी करते हुए जय हनुमान नालेबी टीम के गेंदबाजों का। नए गेंदबाज आते हुए तीसरी ओवर में आतिश आते होते बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी और 17 रन भी बनाए थे, एक विकेट भी चटकाए थे और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे, लेकिन इस मुकाबले में उनको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ भरत के बल्ले से एक चौका आया, अब साइक मिली बल्लेबाज वहां पर आकाश को, कैसे बल्लेबाजी करेंगे, अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी एक तरफ आकाश को और दूसरी तरफ गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए आतिश को। अब की बार अंपायर का इशारा बिल्कुल वाइट बॉल, प्रशांत सहस्त्रबुद्धि यहां पर हमें इशारा करते हुए वाइट का अतिरिक्त रन मिलता हमारी टीम का स्कोर बनेगा बिल्कुल। टीम जहां पहुंची 27 रन के ऊपर, 28 रन बन चुके तीन विकेट के नुकसान के ऊपर, 25 भी गेंदे अब यहां पर 12 गेंदे और रन बचे बिल्कुल 21 रन, बिल्कुल डेड घोषित करते हुए हमारे अंपायर रन में थोड़ा सा यहां पर रुकावट होती भी। गेंदबाज तैयार पे से एक बार आतिश फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए विकेट कीपर सचिन बांदे ने, बिल्कुल अच्छा प्रयास किया था लेकिन पहुंच नहीं पाए, कैच छूटा और बिल्कुल यहां पर एक चांस भी मिलता हुआ बल्लेबाज आकाश को, एक रन भी मिलता हुआ संतेपाड़ा टीम को। एक एक रन के लिए आप संघर्ष करना पड़ेगा बल्लेबाज करते हुए संतेपाड़ा टीम को और एक एक रन बचाने के लिए पूरी तरह से मैदान के ऊपर जान की बाजी लगानी पड़ेगी जय हनुमान नालिम्बी टीम के खिलाड़ी को। समीकरण बदला, बच्ची भी गेंदे आप होगी यहाँ पर 11 और जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता। सामने की तरफ खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद जाते भी सागर आएंगे गेंद के ऊपर, बढ़िया थ्रो सीधा थ्रो किया बिल्कुल, जानते थे मौका नहीं दिया दूसरे रन का और सीधा थोक लिया, उसके बाद में एक रन मिलेगा बल्लेबाज करते हुए भरत को और संतेपाड़ा टीम को। टीम का स्कोर जहां पहुंचा 30 रन के ऊपर, अब जीत के लिए जरूरत होगी बच्चे भी गेंदे होंगी बिल्कुल, इस ओवर की दो गेंदे फेंकी गई 10 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। मुकाबले दोस्तों जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे करबटे बदलेगा। ऑन साइड में गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। मैंने पहले कहा है अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर टीम को जीतने की है, बिल्कुल इस मुकाबले को जीतने का है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी नालेबी टीम के गेंदबाज सतीश आतिश को और दूसरी तरफ संतेपाड़ा टीम को अगर जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी भरत और आकाश को। जीत के लिए आप समीकरण मन दबा, 9 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता, आतिश तैयार। लोबोफुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पे गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में पिछले एक बार गेंद जाएगी, खिलाड़ी वहां पर आएंगे, बढ़िया फील्डिंग लेकिन रन आउट का चांस और बिल्कुल वहां पर लौटना पड़ेगा बल्लेबाज आउट होते हुए भरत के पारी का अंत होता हुआ और लौटना पड़ेगा भरत को मैदान से बाहर, विकेट का पतन होता हुआ, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दूसरे रन की कोशिश की और यहां पर भरत के पारी का अंत होता बा। अब जीत के लिए गेंदे होंगी 8 और जीत के लिए समीकरण बनता बा 17 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला दोस्तों मैदान के ऊपर डीजे आरजे। क्या लगता है हमारे डीजे मास्टर का, चलते मैदान के ऊपर, बढ़िया फील्डिंग का मजा दिखाया, क्या जबरदस्त क्षेत्र यहाँ पर फील्डिंग दिखाते हुए नालेबी टीम के खिलाड़ी। अब की बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, खिलाड़ी वहां पर सागर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे, बढ़िया कैच लिया और अब लगातार विकेट का पतन होता बा। मुकाबला दोस्तों मजबूत हो रहा है नालिम्बी टीम के पक्ष में, आप गेंदे बचिए 7 और जीत के लिए समीकरण बनता बा 17 रन की आवश्यकता, बढ़िया मुकाबला। वापसी की इस मुकाबले में आतिश ने और क्या बढ़िया फील्डिंग करी अपनी टीम के लिए, खास करके सागर हाई स्टैंडिंग
फील्डिंग और आउटस्टैंडिंग गोलंदाज गेंदबाजी मैदान के ऊपर हो रही है। अब 7 गेंदे बची है और 17 रन की आवश्यकता, 17 का खतरा मंडरा रहा है मैदान के ऊपर, लेकिन कौन सी टीम को लगेगा ये 17 का खतरा। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे आकाश, आखिरी गेंद इस ओवर की। अब की बार बल्ले ने अंदरूनी किनारा लिया, गेंद जाते भी सीधा बिल्कुल फाइनल की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हो लेकिन उठाएंगे फेंकेंगे तब तक। 3 रन बटोर लिए बल्लेबाजी करते हुए आकाश ने, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेट विकेटों के बीच में 3 रन बटोर लिए आखिरी गेंद के ऊपर। आप जीत के लिए 6 गेंदे और आवश्यकता होगी जीत के लिए संतेपना टीम को 14 रन की आवश्यकता। आखिरी क्षणों में मुकाबला मैदान के ऊपर आता हुआ, चलिए पानी ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के ऊपर होगा। बिल्कुल 6 गेंदे 14 रन की आवश्यकता, जल्दी जाइए प्लीज, 6 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा था बिल्कुल मुकाबला दोस्तों आखिरी की क्षणों तक आएगा, आखिरी ओवर तक आएगा, क्योंकि इस विभाग की दो ताकतवर टीम है, एक तरफ है बिल्कुल संतेपना टीम और दूसरी तरफ है बिल्कुल उनको फाइट करिए जय हनुमान नालिम्बी टीम। हार पसंद नहीं है बिल्कुल जय हनुमान नालिम्बी टीम को, हार मंजूर नहीं है बिल्कुल संतेपना टीम को, लेकिन मुकाबला कौन जीतेगा, सिर्फ एक ही टीम जीतेगी, वो कौन सी टीम होगी बिल्कुल आने वाली 6 गेंदों में इसका पता आपको चलेगा। 6 गेंदे 14 रन की आवश्यकता डीज है। टीम जल्द से जल्द फील्ड को सजाए क्योंकि बल्लेबाजी करनी है बिल्कुल संतेपना टीम को, ज्यादा वक्त जाया मत कीजिए। मुकाबले में दोस्तों रंगत यहां पर आते भी बिल्कुल रंगीन मुकाबला मैदान के ऊपर। मैंने पहले कहा था दो ताकतवर टीमें, एक तरफ पे जाबाज तो दूसरी तरफ पे जिगरबाज, जाबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ ये कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार मिलेगी मैदान के ऊपर, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी इस प्रतियोगिता में, बिल्कुल आगे कौन सी टीम जाएगी और कौन सी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी आज पता चलेगा। आखिरी की 6 गेंदे बची है, बिल्कुल सेमीफाइनल में कौन सी टीम जाएगी इस प्रतियोगिता में, क्या जा पाएगी यहाँ पर नालिम्बी टीम, क्या पहुंचेगी बिल्कुल संतेपना टीम। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज बिल्कुल होंगे आकाश, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की अब तक, टीम की पारी को संभाल रखा है, उनका साथ देने के लिए आए बिल्कुल अक्षय मैदान के ऊपर। आखिरी ओवर कैलाश अत्यपे गेंदबाजी के ऊपर, अब की बार मिस्टामिक शोक लेकिन सागर अत्यपे गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती भी और उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 2 रन मुकम्मल किए, पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए। आखिरी ओवर में कैलाश के ऊपर भरोसा धागा गया, बिल्कुल भरोसा रखा गया, लेकिन आखिरी की ओवर तक आखिरी की गेंद के ऊपर क्या भरोसा यहां पर कायम रखेंगे, क्या जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को। दूसरी तरफ यहां पर सबकी निगाहें आकाश के ऊपर होंगी, 5 गेंदे 12 रन की आवश्यकता। हाफ ट्रैकर क्या बढ़िया शोक, बिल्कुल बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, 6 रन। क्या बल्लेबाज आकाश ने, मैंने पहले कहा था सबकी निगाह आकाश के ऊपर होंगी, वही यहां पर बल्लेबाज अपने टीम के पारी को संभालते रखते हुए क्या छक्का लगाया। अब मुकाबला दोस्तों खुला हो चुका है, 4 गेंदे जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। अब की बार मिस्टामिक शोक बिल्कुल यहां पर चांस होगी लेकिन सागर पहुंच नहीं पाएंगे, 1 रन बटोर लिया, 2 रन की कोशिश,
और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए और स्ट्राइक अपने ऊपर रखते हुए बल्लेबाज आकाश सूझ भरा क्रिकेट मैदान के ऊपर खेल रहे आकाश बल्लेबाज। स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे आप समीकरण मताब आप अच्छी भी गेंदे होगी तीन और जीत के लिए चार रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार ऑन साइड में गेंद को खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद विकेट कीपर बढ़िया कैच ली वहां पर सचिन बांधने और मुकाबला दोस्तों करवटे बदलता हुआ आप मुकाबला जीतेगा कौन क्योंकि बच्चे भी गेंद यहां पर दो और जीत के लिए कंपल्सरी चार रन बनाने पड़ेंगे और सेट बल्लेबाज अब आकाश भी मैदान से बाहर हो चुके विकेट का पतन। मैंने पहले कहा था जिसके ऊपर भरोसा रखा गया क्या आखिरी की गेंद के ऊपर भरोसा कायम रखेंगे। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, लोग आज भी पूछते पत्थर को क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। लेकिन भरोसा रखा है आखिरी ओवर में बिल्कुल कप्तान सचिन ने वहां पर गेंदबाज कैलाश के ऊपर क्या आखिरी ओवर तक आखिरी गेंद के ऊपर यहाँ पर कायम रखेंगे भरोसा। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज आते हुए संतोष सेकंड के ऊपर होंगे गेंदबाज तैयार अब की बार यहां पर बिल्कुल अंपायर का इशारा वाइड बॉल अतिरिक्त रन मिलेगा थोड़ा सा दबाव गेंदबाज के ऊपर सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे अक्षय बल्लेबाज है सेकंड के ऊपर। अब की बार मुकाबला दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से अपटर्न होता हुआ बच्ची भी गेंदे दो और तीन रन की आवश्यकता क्या मुकाबला मैदान के ऊपर दोस्तों दिल की धड़कने तेज करने वाला मुकाबला दो ताकतवर टीम के बीच में बैट का अंदरूनी किनारे लिया गेंद ने वहां पर खिलाड़ी मौजूद शॉर्ट टर्मैन में एक रन लिया दूसरे रन की कोशिश कर रहे और वहां पर लौटना पड़ेगा अक्षय को बल्लेबाज के पारी का अंदोता था आप गेंदे बची है सिर्फ और सिर्फ एक और रन बनाने पड़ेंगे दो क्या बढ़िया मुकाबला दोस्तों मैदान के ऊपर कौन जीतेगा मैदान के ऊपर आज इतिहास कौन दोहराएगा बिल्कुल जय हनुमान नालिम्बी टीम या संत बड़ा टीम बढ़िया मुकाबला ठीक है। और यहां पर दो रन की आवश्यकता यदि एक रन निकालते संदीप बन्ना टीम तो मुकाबला हार जाएगी बिल्कुल प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ेगा कंपल्सरी दो रन बनाने पड़ेंगे। जबरदस्त मुकाबला जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता था एक कड़ा संघर्ष कड़ा मुकाबला मैंने पहले कहा था बिल्कुल जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। आज जीत का जश्न कौन सी टीम मनाएगी इस मैदान के ऊपर और हार का मातम कौन सी टीम मनाएगी इस मैदान के ऊपर एक गेंद दो रन की आवश्यकता बढ़िया मुकाबला इस बार यहाँ पर सीधा पैड पे ऊपर गेंद थी लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया दूसरे रन की कोशिश की रनआउट का चांस और वहां पर मुकाबला जीता जय हनुमान नालिम्बी टीम ने अभिनंदन करना चाहूंगा एक रन से मुकाबला जीता और जा पहुंची टीम सेमीफाइनल में वेल प्लेड एंड हार्ड लक संत बड़ा टीम डीजे थैंक यू सो मच डीजे हार्ड लक संत बड़ा टीम क्या